उत्तर प्रदेश में तराई के दो जनपद पीलीभीत और लखीमपुर खीरी भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश ने इन दोनों जिलों में बड़ी तबाही मचाई है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के करीब 200 गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं और लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। रेल मार्ग और सड़कें कट गई हैं, हर तरफ पानी की धार बहती नजर आ रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को पीलीभीत और लखीमपुर के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे और हालात से निपटने के लिए अफसरों को निर्देशित करेंगे। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बरेली और लखनऊ मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं। डीएम एसपी लगातार हालात पर नजर बनाए हैं। लखीमपुर खीरी में करीब 146 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और यहां स्थितियां ज्यादा खराब हो गई थी। पलिया भीरा मार्ग के ऊपर से पानी बह गया। शारदा से सटे इलाकों में सर्वाधिक कहर बरपा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अफसर जमीनी स्तर पर राहत बचाव और खाने पीने के बेहतर बंदोबस्त की व्यवस्था में जुट गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सीएम के दौरे वाले क्षेत्रों में एक्टिव हो गए हैं, तो दूसरी तरफ आम लोग जिनके घर डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घर में रखा राशन खराब हो गया है और पशुओं के सामने चारे का संकट बना है, तबाही के इस मंजर से वे टूट चुके हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बाढ़ और बारिश के पानी के कारण कुछ मौतों की भी सूचना सामने आई है। हालांकि प्रशासन इन मौतों को आपदा के दायरे में मानता है या नहीं, ये अलग बात है। बहरहाल बाढ़ से कराह रहे लाखों लोगों को मुख्यमंत्री के दौरे से तमाम उम्मीदें बंधी हैं और सरकार की ओर वे मदद की नजर से देख रहे हैं। तराई के इन दोनों जिलों से शारदा नदी गुजरती है और ये नदी हर साल इन जिलों में भयंकर तबाही लेकर आती है। पीलीभीत में पिछले साल शारदा में करीब 200 एकड़ जमीन कट गई थी। इस बार भी यहाँ सैकड़ों एकड़ खेतीहर भूमि नदी में समाने की चिंता महसूस की जा रही है। पीलीभीत में कलीनगर, माधोटांडा, पूरनपुर का चंदिया हजारा क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। चंदिया हजारा शारदा नदी की तलहटी पर बसा गांव है और यहां के लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका का सामना करते हैं। इस बार शासन ने चंदिया हजारा गांव को बचाने के लिए शारदा के चैनलाइजेशन और तटबंधों पर जियो बैग के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन बाढ़ के आगे प्रशासन की सारी तैयारियां धरी रह गईं और हर तरफ तबाही बर्बादी का एक खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। लखीमपुर और पीलीभीत इन दोनों जिलों में हर साल बाढ़ राहत बचाव कार्यों के बहाने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहां से बाढ़ का खतरा नहीं टलता है। इस बार जो हालात पैदा हुए हैं वो काफी भयावह हैं। पीलीभीत जिला तो एक तरह से टापू बन गया है। रेल मार्ग से इसका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों जिलों में जाकर तबाही का वो मंजर देखेंगे जिससे वहां के लाखों लोग झेल रहे हैं। मंगलवार को जैसे ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के दौरे की खबर आम हुई, प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें बड़ी ही तेजी से एक्टिव हो गईं। सीएम के दौरे को लेकर रात भर तैयारियों का सिलसिला चला। दूसरी तरफ अफसर बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाने में जुटे रहे। मुख्यमंत्री बाढ़ वाले इलाकों में प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे, अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। दोनों जिलों के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अब जनता के बीच पहुंच चुके हैं और वे उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी इस बार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और लाखों लोग यहाँ बाढ़ के भयावह मंजर से कराह रहे हैं।